हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू कन्वर्ट एसी टू डीसी सप्लाई और 20 वोल्ट टू 5 वोल्ट कन्वर्ट। सिस्टम को बनाने में क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? इसमें ट्रांसफार्मर है जो 220 वोल्ट एसी सप्लाई इन करता है और आउटपुट 12012 की निकालता है। उसके बाद मैंने डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर बना के लगाया है। फिर आगे दो कैपेसिटर लगाए हैं 4700 वोल्ट वाले, ठीक है, और नीचे डायोड का सिंबल बनाया है। डायोड में जो डार्क साइड है वो पॉजिटिव है, सेम ही जो इसका डायोड का सिंबल होता है सर्किट डायग्राम में, उसमें भी जो एरो है वो पॉजिटिव है। इसके साथ ही जो कैपेसिटर है उसमें साइड में एक डॉटेड लाइन होती है, वो होती है नेगेटिव, और जो सबसे बड़ा इसका जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है। ट्रांसफ़र आप चाहे 12012 चाहे 12000 का ट्रांसफ़र आप यूज़ कर सकते हो। चार डायोड चाहिए 5408 के ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए। दो कैपेसिटर चाहिए 4700 ओम के 25 वोल्ट। अब हम ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम देखेंगे। ये ब्रिज रेक्टिफायर के बाद लगेगा, जिसकी इनपुट 20 से 12 वोल्ट होगी और आउटपुट 5 वोल्ट होगी। इसमें दो कैपेसिटर और एक 7805 का ट्रांसिस्टर लगेगा। ये 7805 का ट्रांसिस्टर है जिसकी लेफ्ट साइड इनपुट और राइट साइड आउटपुट होगी और सेंटर ग्राउंड होगा। ये 16 वोल्ट 100 ओम का कैपेसिटर है जो कि ट्रांसिस्टर के आउटपुट पे लगेगा। 25 वोल्ट 100 ओम का कैपेसिटर है जो कि ट्रांसिस्टर के इनपुट में लगेगा। मैंने ये 12012 का ट्रांसफार्मर लिया है जिसकी इनपुट 220 एसी होगी और इसकी आउटपुट होगी 12012 की, जो कि दोनों रेड 12 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव होगी और जो ब्लैक कलर है वो ग्राउंड होगा। ये 9 वोल्ट एसी की सप्लाई निकलेगी इसमें ट्रांसफार्मर में, जो कि यूजफुल नहीं होगी। ट्रांसफार्मर को मैंने एक UPS के केस में फिट कर लिया है। ये 9 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही है एसी, और अब ये 12 वोल्ट निकल दिखेगी। वोल्टेज अप डाउन की वजह से ये 14 दिखा रही है। ये हो गया हमारा 12012 की इंक्वायरी, एसी सप्लाई है ये। ये 4700 UF के कैपेसिटर है 25 वोल्ट, इसको हमने पॉजिटिव नेगेटिव में जोड़ना है। ये डायोड है 5408 के चार, जिसका हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। कैपेसिटर को हम पॉजिटिव नेगेटिव में जोड़ लेंगे, एक कैपेसिटर का पॉजिटिव एक कैपेसिटर का नेगेटिव दोनों को जोड़ लेंगे। नेगेटिव साइड जहाँ पे एक पट्टी बनी होगी कैपेसिटर में वो नेगेटिव होगी, और जहाँ पे पट्टी नहीं बनी होगी वो पॉजिटिव होगा। कैपेसिटर के टर्मिनल में एक टर्मिनल बड़ा होता है जो कि पॉजिटिव होता है, जो छोटे वाला होता है वो नेगेटिव होता है। ये मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया है। ब्रिज रेक्टिफायर में दो साइड पॉजिटिव होगी, जहाँ पे ग्रे साइड है दो साइड नेगेटिव होगी। ये दो साइड ट्रांसफॉर्म का इनपुट होगा, और जो डायोड के दो साइड पॉजिटिव और नेगेटिव थे वो हमने कैपेसिटर के भी सेम पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जोड़ देना है, जैसे वीडियो में दिख रहा है। ये ट्रांसफॉर्म के होंगे दोनों पॉइंट, 12 और 0 को हमने ज्वाइन करना है इसमें। मैंने दो वायर लगा दी है इसमें, जो कि मैं ट्रांसफॉर्म को 12 पॉजिटिव और ग्राउंड के साथ जोड़ दूंगा। वायर लग चुकी है, अब इसमें 12012 की जो सप्लाई है उसमें 12 पॉजिटिव और ब्लैक वाली नेगेटिव ये लेके इसको मैं ब्रिज रेक्टिफायर में लगा दूंगा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो का एंगल टेढ़ा रह गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आपको सिर्फ सर्किट डायग्राम फॉलो करना है, बनाना बहुत इजी है, आप बना लेंगे। डायोड लग चुके हैं,
आपको मैं वोल्टेज दिखाता हूँ, इसकी आउटपुट कितनी होगी। डीसी में मल्टीमीटर सेट करके ये देखिए 19 वोल्ट दिखा रहा है। आपकी जो इनपुट होगी एसी फ्लक्चुएट करेगी थोड़ी बहुत, तो उसके रिगार्डिंग वोल्टेज थोड़ी ऊपर और नीचे जा सकती है। मल्टीमीटर इंडिकेट शो कर रहा है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सा है, माइनस का निशान दिखा के ये पॉजिटिव है। अब हमें ट्रांसिस्टर का सर्किट बनाना है। ये 25 वोल्ट 100 ओम का कैपेसिटर है जो कि ट्रांसिस्टर के इनपुट में लगेगा। कैपेसिटर का पॉजिटिव और ट्रांसिस्टर का इनपुट दोनों एक जैसे लगेंगे। ये 16 वोल्ट 100 एम्पीयर का कैपेसिटर है जो कि ट्रांसिस्टर के आउटपुट में लगेगा। ये 16 वोल्ट का कैपेसिटर ट्रांसिस्टर के आउटपुट में पॉजिटिव टू पॉजिटिव जोड़ देना है, जैसे आप देख रहे हो वीडियो में, कुछ मैं इस तरीके से इसे जोड़ दूंगा। जैसे ये जोड़ दिया है, सेम वैसे ही 25 वोल्ट वाला कैपेसिटर भी हम ट्रांसिस्टर के इनपुट में जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। अब दोनों का जो ग्राउंड है, दोनों का कैपेसिटर का नेगेटिव और इसका ट्रांसिस्टर का ग्राउंड है, इसको मैं एक साथ जोड़ दूंगा कुछ इस तरीके से। कुछ हमारा ट्रांसिस्टर इस तरीके से दिखेगा। ध्यान रहे दोस्तों कि कोई वायर टच ना हो। यहाँ से आउटपुट जाएगी और यहाँ से ये ग्राउंड है। अब मैं ग्राउंड में एक वायर लगा दूंगा कुछ इस तरीके से, ताकि मेरा एक नेगेटिव पॉइंट बन सके। साथ ही मैंने आउटपुट के लिए एक वायर लगा दी है ब्राउन कलर की, जहाँ पे 16 वोल्ट का कैपेसिटर था। ये मेरा 5 वोल्ट का रेगुलेटर बन चुका है। ये दो वायर जो हैं इनपुट की, वो मैं रेक्टिफायर के आउटपुट पे लगा दूंगा। ग्रीन वाला हमारा ग्राउंड रहेगा और ब्लैक वाला पॉजिटिव साइड लगाना होगा, जहाँ पे कैपेसिटर का पॉजिटिव है वो हमारा पॉजिटिव होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। डायोड का जो पॉजिटिव है, जहाँ पे कैपेसिटर का पॉजिटिव लगा है, वहाँ पे हमें ब्लैक ही लगाना है फ्रेंड्स। और जहाँ पे नेगेटिव था कैपेसिटर का, जहाँ पे इस साइड नेगेटिव है, वहाँ पे हमें ग्राउंड ही लगाना है। अब मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा कैमरा इधर उधर है, काम करने के टाइम पता नहीं चलता फ्रेंड्स, थोड़ा इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसीलिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आउटपुट इसकी 5 वोल्ट आ रही है। और यहाँ पे मैं इनपुट चेक करके दिखाता हूँ, जो रेक्टिफायर की आउटपुट है, ये देखिए 18.60 कुछ आ रही है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग NKG Technical।